नमस्कार। आज पोहे से नाश्ता बनाऊंगी। इसके लिए मैं कटोरी पोहा ले ली हूँ। इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के और पानी निकाल देते हैं पूरा। पोहा अच्छी तरह धुल गया है। इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही रहने देते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखी हूँ। इसमें जीरा डाल देंगे। बहुत चटपट बनने वाला नाश्ता है, काफी स्वादिष्ट बनेगा। जीरा जल गया है। इसमें मिर्च और अदरक है, इसको डाल देंगे। हल्का फ्राई कर लेते हैं। कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई करते हैं। प्याज हल्का फ्राई हो गया है। इसमें टुकड़ा कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से प्याज और टमाटर फ्राई हो गया है। इसमें थोड़ा सा हमें नूडल्स डाल देंगे। चाहे तो आप मैगी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह फ्राई हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। फिर हमारा पोहा भी बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। इस तरह से इसमें ही हम सारे मसाले को निकाल लेंगे। अच्छी तरह मिला लेते हैं। मसाले में नमक है, पोहा के हिसाब से थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसमें। और एक चम्मच हम शेजवान चटनी डालेंगे। मिला लेते हैं। इसमें आधा टुकड़ा हम नींबू का रस डालेंगे। इससे काफी चटपटा बनेगा। अच्छी तरह से इसको हम मिला लेते हैं। काफी गर्म है। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको हम इस तरह से गोले बना लेंगे। चाहे तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से गोले बना के और इसमें हम एक चीज का क्यूब डालेंगे। चाहे तो आप स्लाइस डालिए या कद्दूकस करके डालिए। इस तरह से हम इसके लड्डू बना लेते हैं। हमारे गोल बन के तैयार हो गए हैं। ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। एक एक बॉल को हम पानी में डाल देंगे। इस तरह से इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। तेल गर्म होने के लिए रखी हूँ। आप इसको सेक के भी खा सकते हैं, क्योंकि सब चीज पका हुआ है। नहीं तो इसको तल के भी बनाया जाता है। चलिए इसको तल लेते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। एक एक बॉल हम डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से तल लेते हैं। बन गया, इसको निकाल लेते हैं। काफी अच्छा तल गया है। सारे बॉल हमारे तल जाएंगे। अच्छी तरह से पलट के हम सेक लेंगे। एक
कितना सुंदर कलर आया है। चाहे तो आप इसको मैदे में डिप करके भी इसको तल सकते हैं, बेसन में भी लपेट के इसको तल सकते हैं, और इस तरह से कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह सेक लेते हैं, निकाल लेते हैं सभी को। देखिए हमारे सारे बॉल बन गए हैं, ऊपर से एकदम अच्छे बने हैं, कुरकुरे हैं, और अंदर से काफ़ी अच्छे बने हैं। सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।